दोस्तों अगर आप भी रोहित कोहली और धोनी को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों रोहित ने दी ट्रॉफी, विराट कोहली ने महानता दिखाते हुए दे डाली सबको साइन कराकर जर्सी, तो फिर रो पड़े दोस्तों अडीन एलगर। लेकिन रोहित कोहली और भारतीय खिलाड़ियों की इस महानता को देखकर अब तो साउथ अफ्रीका दिग्गज भी उन्हें सलाम ठोकने लगे हैं। एबी डिविलियर्स से लेकर बवुमा, डीन एलगर से लेकर टेल स्टेन, हर किसी का क्या कुछ कहना है, एक एक के बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, रोहित कोहली और धोनी में महान खिलाड़ी और कप्तान कौन है, नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में दो मैचों की टेस्ट सीरीज भारत की घातक जीत के साथ खत्म हुई है। आपको बता दें कि हम पहले टेस्ट मैच भले ही हारे थे, लेकिन दूसरे मैच को ना दूसरे दिन के खेल के दूसरे सेशन के खत्म होने से पहले ही जीत कर हमने अपने नाम कर लिया। दोस्तों इस मुकाबले की बात करें तो भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाज हों, बल्लेबाज हों या फील्डर्स ही क्यों ना हो, सबका प्रदर्शन अव्वल दर्जे का था। अब दोस्तों पहली इनिंग की हमारी गेंदबाजी ले लीजिए, हम टॉस भले ही नहीं जीते बल्कि गेंदबाजी से ही मैच को जीत चुके थे। वो कैसे, चलिए आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों पहली इनिंग्स में ही भारतीय खिलाड़ियों का बोलबाला ऐसा था कि 6 विकेट तो अकेले सिराज अपने नाम कर गए, 55 पर पूरी की पूरी टीम ऑल आउट कर दी गई थी। और दोस्तों बचे कुछ खिलाड़ी इससे पहले कि कुछ करने की सोच भी पाते, हमारे खिलाड़ियों ने 150 से ज्यादा रन ठोक दिए थे। लेकिन दोस्तों अगर भारतीय टीम की बात करें ना, पाना कि हमने बल्लेबाजी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं करी, लेकिन दोस्तों उधर से भारत की गेंदबाजी में फिर से बुमराह आते हैं और बुमराह ने फिर एक और खतरनाक स्पेल डालते हुए 5 विकेट का हॉल अपने नाम कर लिया। हम मानते हैं कि इस बीच दोस्तों एडम मार्करम ने सेंचुरी जरूर लगाई, लेकिन ऐसा शतक किस काम का जो आपको जिता ना सके। खैर दोस्तों आपको बता दें कि भारत की तरफ से ना रोहित और जायसवाल तो मन बना कर आए थे कि विस्फोटक पारी खेलेंगे और एक आक्रामक अंदाज से भारत को जिताएंगे, जिसमें वो सक्षम भी रहे। दोस्तों जायसवाल ने तो 6 चौके ठोक दिए थे, जिसके बल पर उन्होंने पूरे 26 रन बनाए थे और रोहित शर्मा भी अपनी पारी में विनिंग रन लगा कर गए। हालांकि दोस्तों बीच में गिल और रोहित जरूर आउट हो गए थे, लेकिन रोहित शर्मा विनिंग रन लगाते हुए अपनी पारी के अंदर पूरे 17 रन की नाबाद पारी खेल कर गए और भारत को 7 विकेट से जिताकर ही मैदान से बाहर लौटे। लेकिन दोस्तों जब मैदान से बाहर लौट रहे थे तो केवल एक वाक्य नहीं हुआ, अनेकों वाक्य हुए। देखिए ये सीरीज कहीं ना कहीं हमारी है, जिस हिसाब से हम जीते हैं, ट्रॉफी भी हमें मिली, वो ट्रॉफी भी दोस्तों रोहित ने डीन एलगर को थमाई। इनफैक्ट विराट कोहली ने संन्यास ले रहे डीन एलगर को गले भी लगाया और उनके लिए ना पूरी टीम की जर्सी को साइन कराकर भी उन्हें दी और खुद भी साइन करके दी। ये होती है महानता। और दोस्तों इसी महानता को देखते हुए ना साउथ अफ्रीका की टीम के दिग्गजों से लेकर खिलाड़ियों ने भारतीय खिलाड़ियों की पीठ थपथपाई है और क्या कुछ कहा, चलिए एक एक कर आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि डिविलियर्स का हार और जीत तो मैदान में खेल का हिस्सा है, कभी भारत जीतेगा तो कभी साउथ अफ्रीका, लेकिन जो रोहित और कोहली ने किया ना वह दिल जीतने वाला काम है, वह हर कोई नहीं कर सकता, केवल विशाल हृदय वाले खिलाड़ी ही कर सकते हैं। और इस बात में कोई शक नहीं कि रोहित और विराट कोहली जिस औहदे पर हैं, जिस दर्जे पर हैं, अपने विशाल हृदय की वजह से ही है। शायद इसीलिए तो उन्हें इतना महान खिलाड़ी माना जाता है, कहा जाता है। आज जो उन्होंने किया उसके लिए वाकई में उनकी तारीफ बनती है, 10 में से 10 नंबर बनते हैं वो। दोस्तों बबूमा का कहना था, एक वक्त पर मैदान पर मैं मौजूद नहीं था लेकिन भावुक जरूर था, एक खिलाड़ी होने के नाते मैं उनके साथ एक लंबे अरसे से खेला हूं साउथ अफ्रीका में, लेकिन कहना चाहूंगा कि आज इतना साउथ अफ्रीका खिलाड़ियों ने नहीं किया जितना भारतीय खिलाड़ियों ने उनका सम्मान कर डाला है। वाकई में डीन एलगर आप ये सब डिजर्व करते थे, अब वो चाहे भले ही आप कौन से मिला हो या भारतीय खिलाड़ियों से, लेकिन वाकई में रोहित और कोहली ने आंसू निकाल दिए, दिल जीत लिया। आपकी इस महानता को न जाने क्या नाम दूं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे खिलाड़ी के लिए ऐसा करने के लिए। तो दोस्तों डेल स्टेन का भी कहना था, विशाल खिलाड़ियों की पहचान ही विशाल हृदय होता है। रोहित और कोहली आपकी टीम जीती, आप सीरीज लगभग जीत गए, जश्न तो आपको अपना मनाना चाहिए था, लेकिन आपने डीन एलगर को जरूरी समझा। उधर बुमराह ने भी अपना अवार्ड दे दिया, यही तो खिलाड़ी होते हैं जो एकता से अपनी टीम को जिताते हैं। आप ऐसे ही आगे सफल फलते फूलते रहे। वही दोस्तों फाफ डुप्लेसिस तक ने कहा, डीन एलगर वाकई में मजा आ गया, आपका संन्यास कुछ ऐसा था जिसे देख कर लगा के भारतीय खिलाड़ी कितना ज्यादा खेल का सम्मान करते हैं और खिलाड़ियों का भी। मैं मानता हूं कि ये हमारे लिए हार थी, लेकिन भारत भी तो अपनी जीत को सेलिब्रेट नहीं कर रहा था, उल्टा हमारी हार में आपको सांत्वना दी गई और रोहित और कोहली ने जो किया उसके लिए तो उन्हें हमेशा सलाम रहेगा। तो मैं दोस्तों डीन एलगर ने खुद कहा, रोहित और कोहली आपके आभार को जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा, वाकई में मेरी रिटायरमेंट में 4 चांद आप लोगों ने लगाए हैं, आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से इस ट्रॉफी और साथ ही साथ इस जर्सी के लिए। दोस्तों साउथ अफ्रीका दिग्गज और खिलाड़ी भी दीवाने हो चुके हैं रोहित कोहली की महानता के, लेकिन आप सभी इस महानता को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।